All right, class, we are to discuss in detail about the project report. Okay, which you are to submit to me very shortly. Now, one file which you have already submit during the month of June, July, I guess, that was the IT report file, Ishan and Gurupal. Switch off your computers. One file you submitted to me in the month of June, July, that was IT report file. This is project report. Okay. You have to prepare this project report in Open Office Impress. Everybody, please see the LCD. Don't look at your personal PCs. एक बार सारा समझ लो कि आपको एक्चुअली में क्या करना है. यू आर टू इंस्टॉल ओपन ऑफिस 4.1.10 और 9 वर्जन. डोंट वर्क इन द वेरी लो वर्जन, इधर 0.9 और 0.10 वर्जन. ओके, क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट पेज विल बी योर फ्रंट पेज. एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन ओपन ऑफिस इंप्रेस, राइट? जैसे ये आपका फर्स्ट पेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ओके, राइट? देन यू कैन फॉर्मेट इट. Clear? You can increase the size. Clear? Then you have to add one picture over here. Okay? And here you have to type your name. Made by Raghav. 9C, रोल नंबर 34. जो भी आपका रोल नंबर है, मैंने अभी टेंटेटिव भी डाला है. ओके, ये मैंने बहुत सिंपल सा रखा है. आप पीछे डिजाइन टेम्पलेट लगाओगे और बहुत आर्टिस्टिक वे से इसको क्रिएट करोगे. फ्रंट पेज को इमेजेस भी लगानी है. देखो, व्हेन वी वर्क इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, only text is not sufficient and only images also not sufficient. It should be balance of two. ye na ho aapki slides mein sirf text hi text hai, aapki slide mein images hai hi nahi, aur ye bhi na ho ki sirf images and text hi nahi hai. And insert that image which is relevant with your project. Okay, so topic of your project is Andhra Pradesh dishes and desserts. Okay. I just reduced the size. इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. राइट, प्रेजेंटेशन डिमांड्स योर क्रिएटिविटी. नोबडी इज लुकिंग एट एलसीडी, एवरीबडी इज बिजी राइटिंग देयर ओन लाइंस. कोई चीज गलत होगी फिर बेटा वहां पे क्रॉस लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है. पहले समझ लो, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देन यू कैन नोट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू नोट. क्रिएटिविटी इज मस्ट व्हाइल डूइंग प्रेजेंटेशन. द मोर यू विल बी क्रिएटिव, द मोर बेटर योर प्रेजेंटेशन विल बी. बट डोंट गो ओवर कि बड़े बड़े फॉन्ट हैं, बहुत मतलब जो आंखों को चुभ रहे हैं ऐसे फॉन्ट लिए हुए हैं.
dark colors, dark background, please avoid it. Keep a light background. ठीक है, headings should be same, जो जो main headings है ना, keep them same size for all the slides. ये ना हो एक slide में heading बहुत बड़ी है, एक में बहुत छोटी है, एक में बिल्कुल ही छोटी सी है. Heading size, main heading size in all the slides should be same and should be in the same format. Headings जैसे class के chart लगते हैं ना, headings सारे same होते हैं ना charts के, एक ही साइज के, एक ही कलर के. कीप हेडिंग्स इन ऑल द स्लाइड्स सेम कलर सेम साइज, ओके, एंड प्रोमिनेंट हेडिंग्स. जो सब टेक्स्ट है, कभी भी सब टेक्स्ट का साइज हेडिंग के साइज के बराबर नहीं होता, ना उससे बड़ा होता. ये ना हो हम सब टेक्स्ट देखते रहे, हमारा हेडिंग पे फोकस ही ना जाए. और ये भी ना हो कि सब टेक्स्ट जो है वो इतना छोटे साइज का हो कि सिर्फ हेडिंग दिखे, वो दिखे ही ना. अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए टेक्स्ट की. इमेजेस का व्यू इतना हो कि इमेज क्लियर लगे, इतनी छोटी इमेज ना हो कि वो बिल्कुल नजर ही ना आए. गॉट इट? सो यहां पे आप एक इमेज लगा सकते हो, जैसे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल. आई जस्ट सी कोई अगर इमेज हो तो, जैसे मान लो यही इमेज है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दो इमेज को. थंबनेल व्यू हो आपकी इमेज का, ठीक है. थंबनेल व्यू हो आपकी इमेज का. आई जस्ट इंसर्ट एनी अदर इमेज. ओपन ऑफिस इंप्रेस में बन रही इमेज आपकी. सब सब फीचर्स हैं इसमें. मैं गैलरी व्यू खोलना चाहता हूं. आई वांट टू ओपन द गैलरी. कंप्यूटर्स जैसे ये देखो, ये इमेज आ गई, ठीक है, क्लियर. इमेज इतनी छोटी मत रखना, जैसे ये इमेज है, डोंट कीप अ वेरी स्मॉल साइज इमेज कि वो मेरे को नजर ही ना आए बिल्कुल इतना, ठीक है. और इतनी बड़ी भी ना हो कि पूरे पेज पे इमेज ही हो. एंड अप्लाई द रेलेवेंट इमेज, ठीक है, क्लियर है. अब इसके बाद आपका जो सेकंड पेज होगा, दैट विल बी द इंडेक्स पेज. ये आपका इंडेक्स पेज होगा. यहां पे आप टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है, एंड यू विल इंसर्ट इंडेक्स इन दैट टेबल, ठीक है. लाइक दिस यू विल क्रिएट द टेबल, ओके. सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक्स, पेज नंबर. You can change the color as per your convenience. Okay. You can increase the size. Right? Clear? You can change the design of table also. Table ko tum aur kisi color mein represent kar sakte ho. राइट,
और इंडेक्स इतना छोटा ना हो कि टेबल का व्यू मतलब थोड़ा बड़ा इंडेक्स हो, ठीक है, मतलब टेबल आपका यहां तक आए कम से कम, ऐसे ऐसे टेबल, क्लियर। देन थर्ड पेज विल बी द फर्स्ट डिश ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे पुली हो रहा राइस है, डिशेज ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ लिसन केयरफुली, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, इंटरनेट खोलना, वहां पे गूगल में जाके टाइप करना डिशेज ऑफ आंध्र प्रदेश, तो डिश की लिस्ट खुल जाएगी, पुली होरा राइस, कड़ी राइस, ऐसी काफी डिशेस हैं। आपने तीन डिशेस और तीन डेजर्ट्स उठाने हैं, एनी थ्री डिशेस, एनी थ्री डेजर्ट्स, डेजर्ट्स यू नो स्वीडिश, ओके, ऑफ योर चॉइस। जैसे फर्स्ट डिश है पुली होरा राइस, इसकी हेडिंग दी, जैसे मैंने बोला है हेडिंग सबकी सेम हो, सेम स्टाइल, सेम साइज, ओके, ताकि थोड़ा इंप्रेसिव लगे। यू कैन चेंज द कलर ओवर हेयर, राइट, यू कैन इंक्रीज द साइज, राइट, मैंने शेडो दिया पीछे। अब यहां पर आपने क्या करना है, यू आर टू टाइप पॉइंट्स, फोर फाइव पॉइंट्स अबाउट दैट डिश, टाइप फोर फाइव पॉइंट्स अबाउट दैट डिश एंड ट्राई टू टाइप इन सच अ वे आपके फोर पॉइंट्स यहां पे आए। इट इज वेरी डिलीशियस डिश, इट इज वेरी हेल्दी, इट हैज नंबर ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, लाइक दिस। ये मैंने एग्जाम्पल दी है आपको, प्रॉपर बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर यूज करके आपके फोर फाइव पॉइंट्स बने हर डिश के बारे में। एंड हेयर ऑन दिस साइड योर इमेज शुड बी देयर, जैसे मान लो ये कौन सी पिक्चर लू मैं, अब जैसे ये है मान लो, जैसे ये आपकी इमेज है, ये तो मैंने अभी ऐसे एग्जांपल के तहत लाई है, यहां पे डिश की फोटो आएगी, जो भी डिश तुम क्रिएट करोगे, जैसे पुली होरा राइस है तो यहां पे पुली होरा डिश की फोटो आएगी और उसके आकर बॉर्डर बना देना। यू हैव सीन माय पीपीटीज व्हेन आई टीच यू इन द क्लास हाउ आई एड बॉर्डर अराउंड द इमेज, ठीक है, टेक्स्ट इस तरफ, इमेज इस तरफ, ऊपर हेडिंग हो। आपने एक बार एक स्लाइड की फॉर्मेटिंग सेट कर ली ना, अगली स्लाइड कॉपी पेस्ट मार के बस चेंजेस करने। एंड विच एवर डिश एंड डिजर्ट यू आर क्रिएटिंग, इमेज शुड बी ऑफ दैट ओनली। ये ना हो पुली हो रहा राइस है, इमेज डाली है कड़ी की तुमने वहां पे, गॉट इट। एंड डिजाइन टेम्पलेट एट द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड मस्ट बी देयर, स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, ये व्हाइट बैकग्राउंड बिल्कुल मत रखना। योर प्रेजेंटेशन शुड नॉट लुक डल, इट शुड लुक वेरी इंप्रेसिव, ना वेरी ओवर, ना बिल्कुल बिलो एवरेज। एंड डोंट टेक टू मच डार्क कलर्स, अवॉइड टेकिंग डार्क कलर्स, हेडिंग शुड बी प्रोमिनेंट। एम आई क्लियर अप टिल हियर? देन थर्ड, देन नेक्स्ट डिश, इसके बाद जो भी तीन डिशेस हैं उसके बाद डिजर्ट शुरू होंगे, राइट। ट्राई टू पुट वन स्लाइड इन बिटवीन जिसपे मेन हेडिंग हो, जैसे तीन डिश, जैसे ये डिश है, मैं अंटनी, जैसे ये है, यहां डिशेस आनी है ना,
ऐसी, एक स्लाइड ऐसी हो तुम्हारी, इसके बाद शुरू हो डिशेस, जब डिशेस खत्म हो जाएं, अगेन क्रिएट दिस स्लाइड, इसका ये देखो डुप्लीकेट कैसे करते हैं, राइट क्लिक, इसमें है नहीं स्लाइड डुप्लीकेट ऑप्शन, यहां नहीं है, पावर पॉइंट में होती है डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन, ठीक है, तो यहां पे इसकी बना के डुप्लीकेट स्लाइड डिजर्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ताकि जब मैं चेक करूं मुझे क्लियर हो कि अब डिशेस आ रही है, अब डिजर्ट्स आ रहे हैं। देखो यू कैन टेक पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट, वो इंटरनेट से ही मिलेंगी, यहां पे आपको पुली होरा राइस पिक्चर नहीं मिलनी, डिशेस की पिक्चर आपको इंटरनेट से ही मिलेंगी, डिजर्ट्स की पिक्चर आपको इंटरनेट से मिलेंगी, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट पिक्चर्स ऑफ डिशेस एंड डिजर्ट्स इन बिल्ट इन इम्प्रेस, यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, राइट, जैसे आई शो यू, यू ओपन द ब्राउजर, and here you can type dishes of Andhra Pradesh, oh god, ye dekho so many dishes of Andhra Pradesh, ye dekho जैसे ये इमेज है, इसको खोलो, ठीक है, सेव इमेज एज, प्लीज देख लो क्या करना है, जस्ट करन, राइट क्लिक ऑन द इमेज, सेव इमेज एज, यू मेक अ फोल्डर ऑन योर लैपटॉप वेयर यू कैन डाउनलोड ऑल द इमेजेस, फूड वन, मैं नाम दिया फूड वन, ओके, राइट, then open your impress and insert picture from file, from there you can browse the picture that you want, food one wali image yahan pe hogi, ye ये इमेज यहां पे आ गई, इसका साइज बढ़ा लो, ये अब देखो टेक्स्ट इधर है, इमेज उधर है, योर इमेज शुड नॉट ओवरलैप योर टेक्स्ट शुड नॉट ओवरलैप योर इमेज, ठीक है, ऐसी आप दो एक और लगा सकते हो इमेज यहां पे, एक इमेज यहां पे लगा लो, इस तरह से इंटरनेट से आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, जो जो डिश चाहिए, जो जो डिजर्ट चाहिए, रेलेवेंट इमेज यू विल फाइंड फ्रॉम इंटरनेट, क्लियर, यस, जैसे हमने पीछे टेक्सचर लगाया, आई सेड डोंट टेक एनी सच कलर दैट लुक्स वेरी डल एंड ऑड, लाइट टेक्सचर ले लो, उसको सेंड सेंड टू बैक कर देना ना, सेंड टू बैक कर देना, अवॉइड द डार्क बैकग्राउंड, व्हाइट क्यों, बहुत डल लगेगा, देखो इतना डल भी ना लो टेम्पलेट, एक सूदिंग टेम्पलेट लो, अच्छा टेम्पलेट लो, डोंट टेक अ वेरी डल टाइप की, आपकी प्रेजेंटेशन ही खराब हो, ये सीबीएसई, ये आपका प्रोजेक्ट सीबीएसई में जाना है, एंड टेक दिस प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पार्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट, पार्ट टू विल बी कंटिन्यू आफ्टर योर टर्म वन विल गेट फिनिश, नवंबर के आपका जब प्रैक्टिकल पेपर हो जाएगा ना टर्म वन का, तो आपने इमीडिएटली इसके ऊपर दोबारा काम शुरू करना है, तब इसका आगे वाला वर्जन बनेगा, सो थ्री डिशेस, थ्री डेजर्ट्स, सिक्स स्लाइड ये हो गई, सेवन स्लाइड आपका इंडेक्स हो गया,
8th आपका फ्रंट पेज हो गया। जब ये सारी बन जाएगी प्रेजेंटेशन कंप्लीट रेडी हो जाएगी, आपने इसी का पीडीएफ बना देना, इसी का पीडीएफ बना के मेरे को भेज देना। प्रोजेक्ट आपका नाम जैसे गौरव प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यही पीडीएफ बना टर्म वन, गौरव प्रोजेक्ट रिपोर्ट टर्म वन, ये आपने मेरे को पीडीएफ बना के भेज देना। नाउ नेक्स्ट अनाउंसमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेरी शॉर्टली, वेरी वेरी शॉर्टली यू आर गोइंग टू सिट फॉर योर टर्म वन प्रैक्टिकल एग्जाम, नॉट टेस्ट एग्जाम, इट मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ये एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आपको हम टोटल 1 आवर का टाइम देंगे, जिसमें घर बैठ के आपने अपने पीसी पे सारा प्रैक्टिकल करके उसका पीडीएफ बना के विद इन 1 आवर हमें भेजना है। 1 आवर के बाद इफ यू विल सेंड इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड, और ये एग्जाम है, ये टेस्ट नहीं है, टर्म वन का प्रैक्टिकल एग्जाम। व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस वी विल गेट इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन वी विल लेट यू नो, और वो इसी वीक है प्रैक्टिकल, इसी वीक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, और आपका पहला रिवीजन टेस्ट भी परसों शुरू है, और पहला टेस्ट कंप्यूटर का ही है। सिलेबस ऑलरेडी आई हैव अपलोड इन द ग्रुप, मैंने कल सिलेबस का पीडीएफ भेज दिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन क्लास, एनी क्वेरीज यू हैव इन द प्रोजेक्ट? नाउ द डेट टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट टुडे इज 23rd, ओके, बाय दिस फ्राइडे you have to submit the project to me. Okay? By this Friday, you have to submit, chalo, I increase the 1 or 2 days, this Sunday. This Sunday, by sharp 12 o'clock, I must receive all the 44 PDF, sorry, not 44, I will tell you. 48. I'll tell you, I just announce. All the relevant PDF I want on this Saturday, this Sunday before 12 o'clock. And you are to save the PDF. Already I have told your name _ project report _ term one. Jaise Harshit bhejega, Harshit project report term one. Harshita project report term one. Term one _ lagega. Harshit ne _ project report _ term one. ईशान _ प्रोजेक्ट रिपोर्ट _ टर्म वन, क्लियर? एंड बिफोर सेंडिंग द पीडीएफ टू मी, प्लीज गिव अ थॉरो लुक टू योर प्रेजेंटेशन योरसेल्फ, 5-6 लाइंस अबाउट ईच डिश एंड रेलेवेंट लाइंस, डोंट रिपीट द लाइंस कि सेम लाइन चल रही है सब डिशेस पे, उस डिश के रेलेवेंट जो लाइंस हैं वो टाइप करनी है। I don't want same lines on same dishes, on all dishes, sorry. Different matter for different dish. And apply bullets and numbering. और ये भी नहीं है कि सब पे सेम बुलेट है, यहां बुलेट लगाया है, अगले में 1, 2, 3 लगाओ, बुलेट चेंज कर दो, ठीक है? बी वेरी केयरफुल, और आपको स्टाइलिश, ये स्टाइलिश बुलेट्स यहां से मिल जाएंगे आपको, ये देखो, ऑल दीज आर स्टाइलिश बुलेट्स, राइट? ये देखो, क्लियर? यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ बुलेट, ये देखो, बुलेट्स का भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। टूल्स में जाना है, गैलरी में जाना है, आपको काफी कुछ मिलेगा गैलरी में, गॉट इट? कर लोगे काम? आज मंडे है, मैंने पूरा 1 वीक दे दिया, संडे आफ्टरनून तक आप मेरे को पीडीएफ भेज सकते हो बेटे, क्योंकि मुझे जो व्हाट आई हैव थॉट इज दैट बाय दिस सैटरडे यू आर गोइंग टू सिट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। एम आई क्लियर? ऑनलाइन क्लास, होल प्रोजेक्ट आई हैव डिस्कस इन डिटेल, आई डोंट थिंक एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस विल बी देयर, स्टिल 1 मिनट इज देयर, यू कैन आस्क द डाउट्स। By 12, उससे पहले ले सकते हैं।